वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अभी आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ नाश्ता, खाना मतलब लंच में देने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कि मैं बना रही हूँ। साबुत मूंग दाल के चीला, तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये है चॉप किया हुआ प्याज, तो प्याज को भी डाल देंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो सारे काम हो चुके हैं सुबह के। और मुझे याद नहीं था आज ये हमारे यहाँ बिहार में सतुआन मनाया जाता है, और आज के दिन एक टाइम सत्तू खाया जाता है, आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, तो मुझे नहीं पता था सुबह से। तो अभी घर से कॉल आया है, तो अभी देखते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट तो कर चुके हैं, तो देखते हैं लंच में ही खा लेंगे और क्या कर सकते हैं। अगर पहले से पता रहता तो मॉर्निंग में ही खा लेते हम लोग। और आम, जो कच्चे आम होते हैं उसकी चटनी बनती है, तो अभी तो मेरे पास कच्चा आम भी नहीं है। देखती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ, अगर शाम में जल्दी आएंगे तो लेके आ जाएंगे। और बस वही हमारा आज ये लंच होगा, सत्तू। तो बस उसको, सत्तू को ये थोड़ा सा पानी डाल के बस उसको खाया जाता है। आप प्याज के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, और या आम की चटनी बनती है आज के दिन में, तो आम की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास अचार पड़ा हुआ है, चटनी तो नहीं बन सकती है, हो सकता है तो रात में बने। और तो चलिए फिर, आप लोग कैसे मनाते हैं बताइएगा, क्या क्या होता है आप लोग के घर पर। और कहीं कहीं पे आज ही जूड़ शीतल भी मनाया जाता है, तो मेरे यहाँ एक दिन बाद जूड़ शीतल मनता है। तो चलिए फिर, जूड़ शीतल में अच्छे अच्छे खाना बनते हैं। और सो गाइज, अभी शाम हो रहा है और मैं लंच करने के बाद सो गई थी थोड़ा, और अभी जगी हूँ। तो शाम का दिया बाती हो चुका है और ये मैं अभी बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए थे तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ एक बार रेसिपी, लेकिन फिर से बता देती हूँ। आपका ये मैंगो, ग्रेप्स, बनाना और एप्पल, 4 है मेरे पास, 4 ही थे। आपके पास और भी फ्रूट है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इधर मैंने डाल दिया है ये दूध बॉयल होने के लिए, और ये मैं ले रही हूँ, ये ठंडा दूध में घोलना होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और ये थोड़ा ठंडा है, गरम बिल्कुल नहीं लेना है। और ये 2 चम्मच डाल देंगे ये कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। तो और इसको अच्छे से घोलना है, मतलब जब तक दूध में अच्छे से घुल ना जाए तब तक कंटिन्यू चलाते रहना है। और ध्यान रखिएगा कि गरम दूध गरम बिल्कुल भी ना हो, तो आराम आराम से इसको मिक्स कर लेंगे। और कस्टर्ड पाउडर बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं, तो मेरे पास ये वनीला फ्लेवर में है। आप चाहे तो और सारे फ्लेवर आते हैं आप ले सकते हैं। तो ये मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आपको बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं लेना है। ये आप ये सोचे कि ज़्यादा डाल देंगे तो अच्छा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस ये दूध में 1 बॉयल आ चुका है, तो इसको धीरे धीरे करके डालेंगे, एक बार में ही नहीं डालना है आपको, धीरे धीरे करके डालना है और एक हाथ से चलाते रहना है। और बस इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे
नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। और आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा जैसे थोड़ा गाढ़ा होने के बाद डाल देंगे चीनी। चीनी अपने आप अंदाजा से ले सकते हैं आपको कैसे रखना है, मीठा ज़्यादा मीठा रखना है, कम मीठा रखना है। तो चीनी डाल के और अच्छे से 4 से 5 मिनट और पकाएं। और बस ये गाढ़ी हो चुकी है तो इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद फ्रूट मिलाएंगे, गर्म में नहीं मिलाना होता है फ्रूट को, तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो उसके बाद और ये ठंडा हो चुका है तो सारे फ्रूट को डाल देती हूँ मैं। चाहते हैं ड्राई फ्रूट डालना तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। बस खाने के टाइम जब भी खाएंगे उस टाइम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल देंगे। और आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है कस्टर्ड में तो डाल सकते हैं। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो बस इसको डाल देंगे फ्रिज में, ये फ्रीजर में भी डाल सकते हैं, थोड़ा जल्दी खाना हो तो फ्रीजर में डाल के जल्दी ठंडा कर सकते हैं। तो मैं अभी डाल देती हूँ इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए, उसके बाद खाएंगे रात में। और ये देखिए क्या कर रही है बैठ के बदमाशी लड़की, ये इधर टीवी देख रही है, इसका कार्टून चल रहा है इधर। हाय करो, दोनों हाथ से हाय हो रहा है। और ये नाश्ता में आया है वड़ा पाव, तो यही हम लोग आज नाश्ता करने वाले हैं। सो गाइस डिनर वगैरह हो गया है और अभी मुझे थोड़ा कल के लिए तैयारी करना है। तो मैं कल बनाने वाली हूँ दाल का पराठा, तो उसके लिए मैं स्टफिंग बना के आज ही रखने वाली हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है मुझे, और तो इतना नहीं हो पाता है, मतलब इतना स्पेशल नहीं बना पाती हूँ सुबह सुबह में। तो इसी के लिए मैं आज ही थोड़ा तैयारी करके रख देती हूँ ताकि कल फटाफट से बन जाए। तो चलिए फिर मैं जो स्टफिंग बताने जा रही हूँ आप सेम तरीके से इसी स्टफिंग से आप ये दाल का कचौड़ी भी बना सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले तो तेल ले लेंगे, आप जो भी तेल यूज करते हैं ये ले लेंगे। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ और तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे ये जीरा, थोड़ा जीरा डालेंगे। आप हींग डाल सकते हैं, मेरे पास अभी हींग ख़त्म है तो इसलिए मैं हींग नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद ये ग्रीन चिली डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं, मैं कट करके ले रही हूँ। और थोड़ा सा सॉटे करेंगे, 1 से 2 मिनट करेंगे, जलाना नहीं इसको, बस थोड़ा सा लाल हो जाए उतना तक ही रखना है, मतलब थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए उतना ही पकाना है आपको। और उसके बाद ये डाल देंगे अनियन, ये चॉप बारीक चॉप किया हुआ है, एक ही अनियन है तो इसको डाल देंगे। और अभी डालेंगे पाउडर मसाले, तो मसाले में मैं ले रही हूँ ये रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला और थोड़ा सा लेंगे आमचूर। अगर आपको खट्टा पसंद है तो दे सकते हैं, अगर खट्टा आपको पसंद नहीं है पराठा में तो स्किप कर सकते हैं। और बस मसाले डाल के 2 से 3 मिनट भूनेंगे मसाले को। और ये है धनिया पत्ता, तो इसको भी डालेंगे, अभी ही डालेंगे, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर ये डाल देंगे दाल और ये बॉईल किया हुआ है और एक ग्राइंड, अगर आप थोड़ा सा कच्चा ये उबालते हैं तो उसको ग्राइंड करना होता है। मैं ऐसे थोड़ा ज़्यादा करके पका लेती हूँ कुकर में ही, तो मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। और
बस इसको अच्छे से पकाएंगे। और मैं बॉयल करने के टाइम में ये हल्दी और नमक डाल के बॉयल की थी, तो ऊपर से नमक नहीं डालेंगे और बस इसको पकाएंगे अच्छे से। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब ही कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।